G7 के लिए जापान रवाना हुए पीएम मोदी, बड़ी इकोनॉमी वाले देशों की बैठक में होंगे शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, कल शपथ ग्रहण, सिद्धार्थ मैया सीएम और डीके डिप्टी सीएम बनेंगे। मनीष सिसोदिया ने जेल में पीएम मोदी पर लिखी कविता, गरीब को मिली कविता तो नफरत कौन फैलाएगा, चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। किरण रिजिजू ने अर्थ साइंस मंत्रालय ज्वाइन किया, कहा किसी गलती की वजह से लॉ मिनिस्ट्री नहीं गई, फेर बदल सरकार की प्रोसेस का हिस्सा। सीएम ममता बनर्जी के भतीजे पर हाईकोर्ट ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक की अर्जी खारिज की। सुप्रीम कोर्ट को मिले दो और जज, अब 34 की फुल स्ट्रेंथ, सीजीआई चंद्रचूड ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा और वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथन को शपथ दिलवाई। तीन चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, पूछा चीतों को कुनों से शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा। हरियाणा में नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिसकर्मी, फील्ड से पुलिस लाइन में होगा ट्रांसफर, फिट होने के बाद मिलेगी ड्यूटी। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर लगेगी लगाम, वादशीर का समुद्री परीक्षण शुरू। समीर वानखेड़े ने दायर की रिट पिटीशन, कहा आर्यन ड्रग केस की पूरी जानकारी सीनियर्स को दी थी, सबूत में चैट सौंपी।